नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, 2022 तक बिहार में 15,990 टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2022 तक। कितना? 15,990 टन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ें। 30 साल में दूध के उत्पादन 4 गुना से अधिक बढ़ गया है। ठीक है, 187.7 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हो रहा है अभी बिहार में, लेकिन बिहार में मात्र 8,709 टन है इसका उत्पादन दूध का। ठीक है, कुल उत्पादन का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा बिहार में उत्पादित हो रहा है। इसे बढ़ा करके 2022 तक 15,990 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को जूम ऐप के द्वारा सस्ता दूध उत्पादन कैसे करें, इस विषय पर ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। और यहाँ पर ये भी चीज़ें बात हो रही थी कि किसान अपने उत्पादन का कैसे उचित मूल्य प्राप्त करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 394 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि बिहार में यह मात्रा कितनी है? 241 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसका मतलब ये है कि जो औसत उपलब्धता है भारत में प्रति व्यक्ति दूध की, वो बिहार में औसत से भी कम है। ज़्यादा होने की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बिहार में दूध की उपलब्धता है वो भारत के औसत से कम है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि हमने एक्चुअली, इसके पीछे रीज़न ये है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान अमेरिका वगैरह उससे जब बाहर हो गया तो ईरान से पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। भारत को भी अमेरिका ने बोला कि आप अमेरिका ईरान से तेल आयात करना बंद करिए, और भारत ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया। तो भारत को तो तेल चाहिए ही चाहिए। और उधर अमेरिका क्या करने लगा, अपने देश में विभिन्न जो तेल के स्थान थे उनको खोजना शुरू कर दिया। तो हम क्या किए कि हमने अमेरिका से तेल आयात करना शुरू किया, यहाँ आप देख सकते हैं। और अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। ठीक है, पहले सेकेंड नंबर पे हुआ करता था सऊदी अरब, लेकिन अब आ गया कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें कि भारत ने फरवरी में प्रतिदिन 5,45,300 बैरल का एक नया रिकॉर्ड बनाया, मतलब आयात का, इतना आयात भारत ने किया। ठीक है, ये जो बैरल होता है इसमें एक बैरल में 158.9 लीटर होता है, तो एवरेज इसको आप मान सकते हैं 159 लीटर। ठीक है, जब भी तेल के बारे में आप देखेंगे कि तेल का रेट क्या है, तो वो वहाँ पर बैरल में दिया होता है। ठीक है, तो एक बैरल बराबर लगभग 159 लीटर होता है। ठीक, तो भारत यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेरिका से कितना तेल आयात कर रहा है, लगभग 5,45,300 बैरल को आयात का एक नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए यहाँ पर देखें तो देखिए, सऊदी अरब के द्वारा जो यहाँ पर स्वेच्छा से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल के उत्पादन में कटौती की गई, और साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल की कम मांग के कारण यह स्थिति सामने आई है। जो ओपिक कंट्रीज़ हैं, जब अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि जो तेल की कीमत थी वो $19 प्रति बैरल तक आ गई थी, तब भारत ने क्या किया, भारत ने काफ़ी तेल आयात किया था उस समय। और अभी जब रेट बढ़ रहा है तो भारत ने ओपेक कंट्रीज़ को कहा कि आप तेल की कीमत कम करिए, लेकिन उन देशों ने मना कर दिया और बोला कि जो आपने, वो जब तेल की कीमत बहुत कम थी तो जो आपने रिज़र्व रखा है उस तेल का इस्तेमाल करिए। लेकिन भारत ने वो जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज है, भंडारण है, उसको स्टोर करके रखा है, जैसे कि विशाखापत्तनम वगैरह में भारत ने स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पर आप देखें, एक डेटा यहाँ पर दिया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? इराक है। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। थर्ड पे नाइजीरिया। फोर्थ पे कौन आ गया? सऊदी अरब। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेटा को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भवानी देवी पहली भारतीय फेंसर बनी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है,
भवानी देवी पहली भारतीय फेंसर हैं जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। आपको पता है कि ओलंपिक खेल इस बार कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, 2021 में टोक्यो में, होने 2020 में थे लेकिन कोविड-19 की वजह से इस गेम को एक साल के लिए आगे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो नाम है इनका भवानी देवी, याद रखना है। ठीक है, बस और यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। आगे चलते हैं, 63वें ग्रैमी पुरस्कार विजेता घोषित किए गए। ये जो ग्रैमी पुरस्कार होता है ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलर स्विफ्ट ने अपने एल्बम फोलकलोर, ठीक है, टेलर स्विफ्ट को मिला फोलकलोर, इनका एल्बम है, उसके लिए इसको एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला टेलर स्विफ्ट को, और उनका एल्बम का नाम है फोलक्लोर। ठीक है, इसको एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, और टेलर स्विफ्ट पहली महिला कलाकार हैं जिन्होंने 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है टेलर स्विफ्ट, लगातार इन्होंने 3 बार अब तक इस पुरस्कार को जीत लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं बिली इलिस, क्या नाम है, बिली इलिस ने एवरीथिंग आई वॉन्टेड, किसका, एवरीथिंग आई वॉन्टेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। एवरीथिंग आई वॉन्टेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और यहाँ पर देख सकते हैं बियॉन्से ने ब्लैक परेड, ब्लैक परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन जीतने के लिए एक महिला कलाकार के द्वारा 28 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दो पॉइंट वहाँ पर ज़रूरी था उन्हें ही याद रखना था बस, और यहाँ पर छोड़ सकते हैं बाकी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। ठीक है, तो भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मैच हो रहा था, किस मैच में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया, तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, और यहाँ पर ये इंग्लैंड के खिलाफ जो दूसरा T20 इंटरनेशनल हो रहा था उसमें उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर बात करें सेकेंड नंबर पे कौन है, तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने अब तक 99 मैचों में 2839 रन बनाया है, और जबकि रोहित शर्मा 2773 रन बना करके तीसरे नंबर पे विद्यमान है। क्लियर हो गया, चलिए अब चलेंगे हम MCQs की ओर। बिहार में कब तक दुग्ध उत्पादन को बढ़ा करके लगभग 16,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2022 तक ये टारगेट रखा गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, हाल में कौन ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है, तो उनका नाम क्या है, भवानी देवी। ठीक है, क्या नाम है, भवानी देवी। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने ग्रैमी अवार्ड के लिए तहत एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है विराट कोहली। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।